किसी की आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग गाइस। गिन्नी को बहुत शौक है खाटू श्याम जी का भजन सुनने का। सुबह उठते आज जल्दी उठ गई तो खाटू श्याम जी का भजन सुन रही है। देखना कैसे अपने आप, मैंने कुछ नहीं कहा इसको, अपने आप ही जय कर रही है, भजन सुन रही है, बड़ा खुश हो रही है, सुन के साथ में गा रही है। बहुत सुनते हैं खाटू श्याम जी के भजन, इसको बहुत अच्छे लगते हैं। खाटू श्याम जी की भगत है पूरी। मैंने कर लिया साढ़े आठ, आज गिन्नी आठ बजे उठ गई थी क्योंकि लास्ट लोग में नहीं आ रही। गिन्नी कल जल्दी सो गई थी साढ़े सात बजे, इसलिए वो आज जल्दी उठ गई है और उठ गई खाटू श्याम जी का भजन सुन रही है और पापा जी के साथ मंदिर में आगे कर रही है पूजा गिन्नी। और ये सबसे पहले मैंने गाय के लिए रोटी निकाल दिया, लड्डू गोपाल जी के रोटी और दूध। इसके बाद मैं बना रही हूँ सबके लिए प्याज के परांठे, यहाँ पे मैं प्याज के परांठे बना रही हूँ। और मम्मी के लिए, संदीप के लिए परांठे और चाय। पापा जी परांठे नहीं खाते तो पापा जी के लिए सिंपल प्लेन रोटी, सब्जी और दूध साइड में मैंने गर्म रख दिया है क्योंकि पापा जी तला पला ओली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते बिल्कुल भी। और ये पापा जी का नाश्ता है। इसके बाद मैं हल्का फुल्का लूँगी ओट्स, मैंने नमकीन ओट्स बनाए अपने लिए। और सबका नाश्ता हो गया। देखो यार, देखो इस कितने पसीने आ गए काम करते करते। और अभी तो ये सुबह का नाश्ता हुआ हमारा, अभी लंच बाकी है। गिन्नी को नहलाना, इसको तैयार करना, उसको बनाना, सिले खाना खिलाना, उसको मशीन में कपड़े डाल रखे, कपड़े सुखाना, पता नहीं एक्सरसाइज, इतने सारे काम, उसके साथ खेलना, उसको टॉय जचाना, पता नहीं कमरा ठीक करना, रूम क्लीनिंग करना, इतने सारे काम अभी तो पूरे दिन ऐसे बिजी रूटीन रहते हैं। दादू कोई बात नहीं, वैसे बच्चे की दादू को आवाज ला, दादू खेल बुला लो, दादू किसी की आवाज नहीं आ रही। पापा से पूछो, दादू नीचे है क्या, पूछ लो। ब्लॉक्स के साथ खेल, ABCDEFG से खेलोगे। और ये मैं गिनने के लिए बना रही मैंगो शेक। गाइस कल मैंने ना फ्रिज में पानी होता, मैंने फ्रिज में रख दी, फ्रीजर में रख दी और इनके अंदर बर्फ जम गई, इतनी बुरी तरह से निकल नहीं रही है, बिल्कुल पत्थर जैसे हो गए। देखना आवाज भी आ रही है, बिल्कुल पत्थर जैसे हो गए, उनको भारी रखना पड़ेगा। हमारा नए वाला फ्रिज है ना, जो उसका नीचे वाला एरिया ना, नीचे वाला ऊपर वाला फ्रिज में तो बर्फ जमती है, नीचे वाले में भी सब जो बर्फ जम जाती है, कम बिल्कुल कम करता फिर भी जम जाती है। गाइस आज मुझे जाना है डॉक्टर के, अपनी रिपोर्ट दिखानी थी। लास्ट टाइम मेरे डॉक्टर मिली नहीं थी तो पहले मैं फ़ोन के लिए खुल रही थी, कई कई बार क्या होता है डॉक्टर बैठते कई बार नहीं बैठते, कुछ भी फिक्स नहीं है, तो इसमें पहले फ़ोन के लिए पूछ लेती हूँ। अगर डॉक्टर मिलेगी तो भी जाऊँगी, वरना तो फिर बहने देंगे। मैंने किसी को तैयार नहीं किया, मैं तो खुद तैयार हुआ हूँ। आपको क्या चाहिए, गिन्नी को कैल्शियम की कैल्शियम लेनी है। मैं हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी हूँ, ई रिक्शा ले लिए, बस पाँच मिनट हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगी। भाई सब मैं जा रही हूँ घर, डॉक्टर मेरा एक और टेस्ट लिखा है लिक्विड टेस्ट, वो टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर बोला फिर दिखाना मुझे, थोड़ी कुछ दिक्कत लग रही है उनको, उसके बाद ही पता लगेगा फिर। गाइस बस मैं घर पहुँच गई हूँ, गिन्नी के लिए रो रही है गिन्नी, आज अपने पापा के पास है और उसके लिए कुछ लेके आई हूँ, एक फिश और पैन वैन का स्वप्नर, देख के पता नहीं खुश होएगी नहीं, वरना रोती मिलेगी। गिन्नू मेरा बेबी, क्या लेके आई हूँ, इसको पता था कुछ ना कुछ लेके आएगी मम्मा, कुछ ना कुछ लेके आती है गिन्नी के लिए हमेशा। ये है पेंगमैन, कितना प्रीटी है ना बेबी पिंग, अच्छा लगा। और नेक्स्ट चीज है गिन्नी के लिए, देखो देखो नेक्स्ट है फिश, अरे वाह ना, टू टॉय लेके आए और बेबी के लिए टू टॉय, एक पेंगमैन और एक फिश, दिखाओ सबको, देखो कितनी सुंदर फिश है, देखो एक फिश है और एक पेंगमैन, दिखाओ दोनों बेबी पिंक कलर के लेके आई हूँ। ए वाओ, अच्छे लगे कि नहीं, वैसे शॉपनर है और अच्छे ना टॉय भी है साथ, अच्छा लगा बेबी आपको, थैंक यू बोलो मम्मा को, वेलकम। मिलते हैं।
मम्मा को थैंक यू बोलू मम्मा को मेरी प्यारी और मेरी प्यारी मेरा बच्चा इसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ लाना पड़ता है वरना फिर मेरे को गुस्सा करती क्यों नहीं लेके गई। क्यूट लग रहे पेंगुइन और फिश दिखाओ, फिश भी देखना कितनी क्यूट लग रही है। देखो इधर रखो, इधर रखो, देखो दोनों कितने क्यूट लग रहे, छोटे छोटे टॉय कितने अच्छे लग रहे ना। फिश आगे तो कौन सी पोएम गाओगी? नहीं, पापा के साथ जाने के लिए जिद कर रही है बाहर की पापा के साथ जाना है। पापा आ रहे काम से, आ रहे पापा बाहर, बेटा जाएगी नहीं मानेगी। बाय बाय। मैं अभी डॉक्टर के पास गई थी, इतनी नाराज हो रही मुझसे बात नहीं कर रही, रो रही, नाराज सी हो रही है। तो मैंने बोला बेटा क्या खाएगी, बहुत देर से पूछे पूछते पूछते थक गई, लास्ट में से बोला कि मम्मा मेरे लिए पकोड़े बना दो। तो ये आलू मैंने उबला हुआ आलू रखा था, इसको कट कर लिया, जल्दी बन जाएगी। ये बेसन यहाँ पे खोल लिया, यहाँ पे ऑयल रख लिया, गिनने के लिए बना दो आलू पकौड़े। इसके बाद अपने लिए हमारे लिए बनाऊंगी लंच, लंच में बना रही हूँ आज घी का रायता। मैंने घी उबाल लिए, उबाल के देती हूँ बाद में देती हूँ उसको। और हरी मिर्च की चटनी, अब इसमें दही ऐड करने बाकी है क्योंकि संदीप ने मेरे को बोला, मैंने बोला क्या सब्जी ना, तो बोला सब्जी का खाने का मन निकला बना दे चटपटा सा रायता घी का और मिर्च की चटनी ये बना दे। वैसे मैंने भिंडी निकाल रखी थी बनाने के लिए, बट मना कर देगा आज मन नहीं है ये चीज़ बना ली। और वैसे भी कभी कभी ना ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है ना, रोडो सब्जी से बोर हो जाते हैं यार। पहले गिनने के लिए पकौड़े बना लेते, इसके बाद अपना रायता और वो करूँगी। आलू रखने का ये फायदा होता है जल्दी से बन भी जाएगा और सही रहता है। और जो अगर बच जाएगा तो थोड़ा सा घिया उबलू इसमें ऐड कर दूंगी, तो घिया के बना जैसे कोफ्ते बनाते ना, थोड़े से वैसे पकौड़े बना दूंगी गिनने के लिए। ये आलू के पकौड़े तैयार हुए, कितने अच्छे बने ना, शेप भी कितने अच्छे। और ये यहाँ पे बन रहे घिया के जैसे कोफ्ते बनाते ना, वैसे मैं थोड़े से मैंने ये बना दिए चार पकौड़े। मैं घिया में दही ऐड कर दिया, थोड़ा प्याज भी डाल दूंगी, थोड़ा सा चटपटा टेस्ट आ जाएगा। और इसके बाद मैं बना रही हूँ छोक वाला रहता घी में, घी के अंदर लहसुन जीरा डाल के और इस तरह से। और शाम के बजे 5 बजे सो रही, तो पापा जी के लिए ब्लैक टी, मम्मी के लिए चाय, सबके लिए बनाई चाय मैंने, लेके आई है फ्रेंच फ्राई। मैंने बोला था घर बना दूं पर इसने मना कर दिया, इसने बोला ऑरेंज वाली खानी है, तो हमारे पड़ोस में यही मिलती है। लेके आएगी नहीं, आज हमारी क्या हो रही है, आज हमारी पार्टी हो रही है, पर मैं नहीं खाऊंगी निकली लाइन, मुझे तो बस खाना ही नहीं है। आज मैं डिनर में बना रही हूँ आलू की सब्जी, गिन्नी की देख तो क्या खाएगी, बट मेरे फोन की बैटरी लो गया, अगर मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी तो आज का ब्लॉग। गाइस रात के बजे हुए 11 और गिन्नी ने जिद करके चूरमा बनवाया और अभी आटा गूंथ के चूरमा बना के लेके आई हूँ। एक बाइट खा के कह रहे हैं नहीं खाना, बताओ कैसे करती है मेरे साथ, देखो कैसी लड़की है। मैं सर इसके लिए इतनी मेहनत से चीज बनाती हूँ और फिर ऐसे बोली नहीं खाऊंगी, बताओ। एक बार कहेगी मगर मम्मी अच्छा नहीं है, बताओ। और खुद इतना जिद कर मैंने, तू नहीं खाएगी, कह रहे नहीं खाऊंगी, बनाओ सब्जी खाऊंगी, सब्जी खाऊंगी। देखो ऐसे करते मेरे साथ ही परेशान हूँ मैं इतना ही। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड